तो आइए बेटे स्टार्ट करें अब। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियरली विजिबल होगा। बेटा मिताली, बेटा मिताली यस स्टैंड, सर। ठीक है बेटा। बेटे ये हमारा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी एंड द टाइम ऑफ कूलिंग बाय प्लॉटिंग ए कूलिंग कर्व। इसमें बेटे ये देखिए सारे का सारा उन्होंने ये थ्योरी कंटेंट आपको सिंपली प्रोवाइड किया है कि ये जो आपका लॉ ऑफ कूलिंग है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे वर्क करता है। अदरवाइज बेटे इसी चीज को अगर मैं डिपिक्ट करके दिखा दूं आपको एक बार, तो जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है डी क्यू अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन हम साथ में डाल देते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि हीट का कंटिन्यूअसली बेटे लॉस हो रहा है। इधर इन्होंने ये डी क्यू बाई डी टी, यू कैन वेल सी द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन डी क्यू बाई डी टी, ये डिपेंड करता है बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर जो है आपके ऑब्जेक्ट का कितना है और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो हमने कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक बीकर है, जैसे बीकर आप जिनके साथ लैब में डील करते हो कॉन्टिन्यूसली, कॉपर का बीकर है, कॉपर का वेसल है। इस कॉपर के वेसल में आपने हॉट वाटर जो है वो पोर कर दिया, ये सारे का सारा हॉट वाटर है, और इस वाटर में आपने एक बेटे थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये डिप कर दिया। दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट इज कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर का बना हुआ वेसल, इसको आप कॉपर कैलोरीमीटर बोल देते हो। इसमें आपने हॉट वाटर पोर कर दिया, ये थीटा टेम्परेचर पे है। इधर थ्योरी में इन्होंने टी लिखा हुआ है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली सी दिस इज द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको जब इसमें डिप करना है तो आफ्टर डिपिंग द थर्मोमीटर फॉर 2 और 3 मिनट्स आपका जो थर्मोमीटर है बेटे ये एक मैक्सिमम रीडिंग शो करने लगेगा कि आपका टेम्परेचर प्रेजेंटली इस हॉट वाटर का इतना है। लेकिन अगर हम आसपास एटमोसफियर की बात करें, एटमोस्फेरिक एयर की बात करें, सराउंडिंग्स की बात करें, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर थीटा नॉट, या उधर उन्होंने टी नॉट लिखा हुआ है, सो थीटा आपके हॉट वाटर का टेम्परेचर, थीटा नॉट सराउंडिंग एयर का या आपके जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें बता देता है कि जिस हिसाब से यहाँ से हीट का लॉस हो रहा है बेटा, ये आपका जो है बेटा लॉस ऑफ हीट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बेटे। और वो जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को आप थीटा माइनस थीटा नॉट लिख लेते हो। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी जो है दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थीटा माइनस थीटा नॉट कर लीजिएगा, क्यू आपने एम सी थीटा इसके बराबर ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है। सो व्हाट वी कैन फर्दर से दैट हम इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट डी डी टी ऑफ एम सी फॉर स्पेसिफिक हीट, थीटा इसका टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थीटा माइनस थीटा नॉट। सी और एम दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज कैन बी टेकन आउट, सो यू विल गेट माइनस एम सी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये के और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स और ये नेगेटिव साइन, इनको आप एक तरफ एडजस्ट कर लीजिए, डी थीटा बाई डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इनटू सी, इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर दिया, थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा। ये बेटे सारा ही कॉन्स्टेंट ही है आपका, यू कैन वेल सी। सो आपके पास बेटे बन गया जी डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट, ये चीज बन जाती है। इसको आप इधर शिफ्ट करिएगा इसके डिनोमिनेटर में, आपके पास डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट
इज इक्वल टू के डी टी बन जाएगा। इसको डियर चिल्ड्रन इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग आपके पास लॉग टू दी बेस ई, नेचुरल लॉग लेंगे आप, थीटा माइनस थीटा टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ जाएगा। और ये जो आपके पास देखिए टी है, ये टाइम के लिए है कि कितना टाइम आप इसको जो है कूल होने के लिए या इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो है ये यूज कर रहे हो, ये टी टाइम आप यहाँ पे कंटिन्यूसली काउंट करते चले जाते हैं। सो इन द नटशेल अगर आप देखें टाइम पर आपके जो ये लॉगरिथम की वैल्यू है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और आप अगर प्लॉट कर लोगे इस तरफ टाइम बेटा, इस तरफ लॉग ऑफ दिस थीटा माइनस थीटा नॉट, तो आपका बेटे जो ग्राफ है इट विल टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन इन दिस वे, बिकॉज टेम्परेचर जो है ये आपके लिक्विड का ज्यादा था एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ग्राफ देखिएगा बेटा, इसमें उन्होंने आपको डायरेक्टली बता दिया हुआ है कि ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ ई डी टी बाई स्मॉल टी इट्स फॉर टाइम बेटे टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शनल है। और डियर चिल्ड्रन ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे लॉग का ग्राफ नहीं बनाया ये वाला, ये इन्होंने डायरेक्टली टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अगर आप इधर लॉग टर्म ले लोगे ये साइड पे, तो आपका ये जो आपका ग्राफ यहाँ पे ये कर्व आ रहा है ये वाला, इस कर्व की जगह पर आप ये स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेट डिपेंडेंस है, आपका ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब बेटे देखो एक बार फिर से समझो हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं बेटा। हम हमारे पास कोई कंटेनर में हॉट वाटर पड़ा है, वो किस रेट से कूल हो रहा है, उसकी कूलिंग किस रेट से हो रही है, उससे जो हीट का लॉस है वो किस रेट से हो रहा है, हम वो निकालना चाहते हैं बेटा। और वो निकालने के लिए आपने उस हॉट वाटर के कंटेनर में एक थर्मोमीटर डिप कर दिया, और साथ ही साथ आप बेटे ये एक एक पर्टिकुलर बेटे रीडिंग जो है 3 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद आप नोट करने लग जाते हो। तो जो रीडिंग्स आप इस तरीके से ले लेते हो, आपके पास एक बेटे फिर टेबल बन जाएगा। लेट मी शो यू दिस बेटे ऑन द सिमुलेटर, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा। आपके पास देखिए कुछ इस तरीके का सेटअप है, ये बेटे आपके पास सेटअप रहता है। ट्राई टू सी दिस डायग्राम बेटे केयरफुली, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल डियर चिल्ड्रन। मिताली सहगाम, ये बेटे देखिए आपने ये कंटेनर इमेजिन कर रखा है, इस कंटेनर में आपने ये हॉट वाटर है बेटे, ये जो रेड लाइन आप इंडिकेट करती हुई देख रहे हो, ये आपको बेटे मरकरी का लेवल बता देता है कि मरकरी का लेवल कहाँ पे है, टेम्परेचर कितना है। ये बेटे कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप सिंपली अगर घर पे है ना, एक पानी का पूरा फुल टम्बलर लेकर, पूरा ग्लास लेकर उसको गर्म पानी से फिल कर लीजिए, उसमें गर्म पानी में आप थर्मामीटर डिप कर दीजिए, लेकिन थर्मामीटर ज्यादा रेंज वाला होना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए। 2 मिनट तक वेट करोगे अगर, तो आपका ये जो आप थर्मामीटर देख रहे हो ये मैक्सिमम रीडिंग शो कर देगा जितनी इसने शो करनी थी। इट मीन्स कि आपको अपने पानी का टेम्परेचर पता चल गया कि कितने टेम्परेचर पर आपका पानी बेटे जो है वो पड़ा है। आपके इस मरकरी ने, ये जो आप इसके बीच में देख रहे हो, इंडिकेट कर दिया कि कितने टेम्परेचर पर है। उसके बाद बेटे फिर आप क्या करिए, 3-3 मिनट के बाद अपने थर्मोमीटर की रीडिंग नोट करते चले जाइए, बिकॉज आपका वाटर हॉट है लेकिन सराउंडिंग्स का टेम्परेचर काफी कम है, पानी आपका जो है वो हीट लूज करता चला जाएगा और आप सिंपली कह लीजिए ठंडा होता चले जाएगा। और आप इस तरीके से जब रीडिंग्स नोट करते जाओगे, 3-3 मिनट के बाद आपने रीडिंग्स नोट करते जाना है। मैं आपको एक टेबल भी अपनी तरफ से बना के इंडिकेट करूंगा। तो उसके बाद फिर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो आप नोट कर सकते हो डायरेक्टली, थर्मामीटर सस्पेंड आपने कर रखा है एयर में, जो आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही नोट कर लिया, ये तो थीटा नॉट या टी नॉट आपके पास पहले ही था और आपने इसको बेटे नोट कर लिया। सो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा, आपके पास जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा देखिएगा बेटे। हमारे पास जो है
यस विदित, ये रूम टेम्परेचर आपने 10 और अदरवाइज टेम्परेचर 100 लेकर अगर करना है तो आप टेम्परेचर जितना भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दीजिएगा। तो लेट अस विदित प्रोसीड। मटेरियल ऑफ द कैलोरीमीटर, इसने ब्रास का बना हुआ मटेरियल लिया है। मास ऑफ द कैलोरीमीटर 50 ग्राम है। लिक्विड सैंपल का टेम्परेचर ये इंडिकेट करती है, ये चीज बेटे, ये वाली चीज। इमेजिन कर लीजिए टेम्परेचर हमने कर दिया जी ये 76 कर दिया, एंड लेट अस गो फॉर विद दिस स्टार्ट। तो यू कैन वेल सी कि आपका जो थर्मोमीटर है ये किस तरीके से बेटे रीडिंग जो है इंडिकेट कर देता है। लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस रीडिंग एज इंडिकेटेड बाई, ये रेट ऑफ कूलिंग इंडिकेट कर रहा है बेटे। You can view this level of the mercury which is going side by side up or down accordingly बेटे। तो ये time in minutes and seconds ये indicate कर रहा है कि आपकी heat का जो है continuously loss हो रहा है, temperature इस तरीके से बेटे आपका variation show करता चला जाता है। So dear children, ये एक आपको technique है जिसकी help के साथ आप अपने एक्सपेरिमेंट को विजुलाइज करके देख सकते हो कि किस किस तरीके से आपने ये सारा नोट करना है। तो ये देखिए टेबल उन्होंने थोड़ा सा लेआउट दिया हुआ है, सीरियल नंबर, टाइम, टेम्परेचर और ये डिफरेंस बेटा। सीरियल नंबर में आप 1, 2, 3 जितनी भी रीडिंग्स आपने लेनी है 7-8 हो जाए अगर 3। टाइम फ्रीक्वेंसी या टाइम इंटरवल होना चाहिए यहाँ पे 3-3 मिनट के बाद आप बेटे टाइम नोट करते चले जाएंगे। ये टेम्परेचर आपने नोट किया जो वो आ जाएगा और ये आपका रूम टेम्परेचर आ जाएगा और इस तरीके से आप अपना टेम्परेचर डिफरेंस जो है बेटा ये सेट करके सारे का सारा जो ये है उसको देख सकते हो बेटा। अगर आप ग्राफिकली शो करना चाहते हैं बेटा तो आप ये देखिए ग्राफ आपका जो है ये आप विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ भी इंडिकेट कर सकते हैं ये चीजों को। तो ये इसमें एक मिनट वेट करिएगा बेटा, ये आपके पास ग्राफ को हम रहने देते हैं। रूम टेम्परेचर आपका जो था वो था, रेडियस की जरूरत नहीं, मटेरियल की जरूरत नहीं, लिक्विड सैंपल हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है। इस तरीके से बेटे आप अपने जो ग्राफ के बाद जो रिजल्ट्स हैं इनको भी जो है कर सकते हो। लेट अस रीसेट वंस अगेन। आपके पास रेडियस था, मास ऑफ द कैलोरीमीटर, लिक्विड, टेम्परेचर, जितना भी आपने सेट करना है ये देखिए अकॉर्डिंगली सेट कर लिया हमने बेटे, 92 सेट कर लिया है। यू माइट बी सीइंग द मर्करी लेवल इन दिस पर्टिकुलर थर्मोमीटर। लेट अस गो, लेट अस स्टार्ट। तो यू कैन वेल इमेजिन कि किस तरीके से ये ग्राफ आपका जो है ये मर्करी का लेवल नीचे आ रहा है बेटा, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को इंडिकेट कर रहा है कि कैसे 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 आपकी हीट कम हो रही है। और डियर 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 चिल्ड्रन, अगर इसी चीज को आप ग्राफिकली साथ साथ ही प्लॉट करना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन विच इज टर्निंग आउट। ये ग्राफ आपका डायरेक्टली आपको इंडिकेट साथ साथ ही करी जा रहा है कि कैसे 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 हीट का लॉस जो है बच्चों ये चल रहा है। सो इन दिस वे बेटे मैं रिपीट करूं फाइनली, एक्सपेरिमेंट में कुछ खास ज्यादा है नहीं है, आपको सिर्फ किसी भी हॉट लिक्विड के कूल होने के रेट को बच्चों प्लॉट करना है। घर पे इजीली ये किया जा सकता है, ये आपके सामने जो है ऑलरेडी चल भी रहा है, आप ऐसे कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है बेटा। और इसके बाद बेटे इमेजिन कर लीजिए हम इसको बेटे किसी और वे में इसके लिए बेटे जो है देखना चाहते हैं तो सिम्युलेटर हो गया, ये वीडियो भी आप इसका जो है व्यू कर सकते हो। इट मे बी शोन टू यू इन द विजुअलाइज्ड मैनर आल्सो। लेट अस गो फॉर दिस आल्सो बेटे। Results from energy flow into the system or energy flow from the system to the surroundings. Newton's law of cooling explains how the temperature of a body relates to its time of cooling. It is named after a famous physicist, Sir Isaac Newton.
Now, let's study the relationship between temperature of a body and time as it cools by radiative heat. Principle. According to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a hot body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surroundings. That is, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta zero, where d theta by dt is the rate of cooling, theta is the mean temperature of a hot body when it cools to a certain range, theta zero is the temperature of the surroundings. That is, d theta by dt is equal to k into theta minus theta zero, where k is the proportionality constant. That is, d theta by theta minus theta zero is equal to k into dt. Therefore, log theta minus theta zero is equal to kt plus c, where c is the constant of integration. Therefore, theta is equal to theta zero plus e raised to kt. The graph between temperature, theta, and time t will be an exponential curve, which is the cooling curve. Materials required: copper cannulee meter, stirrer, wooden box with a clamp and stand, thermometer, stopwatch, hot water of about 80 degrees Celsius. Procedure: fill about 2/3 of the copper cannulee meter containing stirrer with hot water of about 80 degrees Celsius. Place the cannulee meter inside the wooden box. The space between the wooden box and cannulee meter is filled with cotton to prevent heat loss. Close the wooden box with its lid. Suspend the thermometer inside the hot water in the cannulee meter from the clamp and stand. Stir water continuously to make it cool uniformly. When the temperature of hot water falls to 70 degrees Celsius, start the stopwatch. Note the temperature reading every 5 minutes. Continue the time temperature observation till the temperature becomes constant. Plot a graph between time along x-axis and temperature along y-axis. This graph is called the cooling curve. The graph is an exponential curve and it shows that the temperature falls quickly at the beginning and then slowly as the difference of temperature goes up decreasing. This verifies Newton's law of cooling. Applications. Forensic experts use Newton's law of cooling for the determination of time of death of a victim. Newton's law of cooling is used for studying how fast or what a heater cools down when it is turned off. So बेटे in this way you can have the idea. तो छोटे मोटे questions बेटे आपसे पूछे जा सकते हैं. Define the temperature of a body, both A and B. जैसे आपको ये देखिए उन्होंने दिए हुए हैं कि ये कैसे कैसे processes हैं. Newton's law of cooling की curve कौन सी होती है. Newton's law of cooling है क्या. Express Newton's law of cooling in the mathematical form जो आपने log की form में already कर रखा है. तो ये बेटे छोटी छोटी चीजें हैं. कोई ज्यादा लेंथी आपका जो है ये बेटे काम नहीं है. सो बेटे इन दिस वे ये आपके पास बेटे छोटा सा एक्सपेरिमेंट था. अब मैं आपको थोड़ा इसके टेबल बनाकर उसकी बेटे जो है वो गाइडेंस भी कर देता हूँ कि आपने कैसे इसको करना. सो डियर चिल्ड्रन, इश्नूर, अंजलि, जैकलीन, राघव, रमन, सहज, देवलूर, इज इट क्लियर टू ऑल बेटा. Yes, sir. Okay, बेटे. अब बेटे थोड़ा मैं आपको टेबल बनाकर गाइड कर दूं कि ये तो चलिए हमने इसकी सिमुलेशन देख ली कि किस किस तरीके से आपने ये सारे का सारा करना है. अब बच्चों हम एक्चुअल सेंस में जब करेंगे अपनी नोटबुक पर तो हम किस तरीके से इसको करेंगे. लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस. आपके पास पहले आ जाएगा सीरियल नंबर बेटा. Then we will be having over here theta. This is the temperature of hot water. Temperature of hot
वाटर, ये बेटे डिग्री सेंटीग्रेड में आप ले लोगे, और यहाँ पे आप थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट आपका सराउंडिंग्स का टेम्परेचर आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है, ये फर्क आ जाएगा। इसके बाद बेटे इन्होंने आपको इंडिकेट नहीं किया, बट आपने लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट ये एक एडिशनल कॉलम ड्रॉ करना है, मे बी इन्होंने नहीं किया होगा, वो इनकी अपना सेटअप है। तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ ऐसे रीडिंग्स आ जाएंगी बच्चों। और टेम्परेचर हॉट वाटर का जो है, जैसे हमने 70 डिग्री से स्टार्ट किया, एक कॉलम हमारा बेटे बीच में और बनेगा, दैट विल बी ऑफ द टाइम बेटे। टाइम हमें जरूर लिखना पड़ेगा स्मॉल टी के लिए, और थीटा माइनस थीटा नॉट इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। टाइम जब आपका जीरो था तो टेम्परेचर 70 था, 5 मिनट के बाद टेम्परेचर मान लीजिए 60 हो गया, ये टाइम इन मिनट्स है, और अगले 5 मिनट के बाद यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, ये मान लीजिए टेम्परेचर आपका जो है ये 52 हो गया, और 5 मिनट्स के बाद टेम्परेचर आपका मान लीजिए जो है ये इतना है, और 5 मिनट्स के बाद आपका टेम्परेचर जो है इमेजिन कर लीजिए इतना हो गया। तो ये आपको टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो थीटा नॉट रूम टेम्परेचर अगर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए बाहर, तो बेटा आप बड़े अच्छे से ये डिफरेंस नोट कर सकते हैं, 70 - 20 विल बी 50, एंड दिस इज 40, दिस इज 32, दिस इज 25, दिस इज 20, ये रीडिंग्स आती जाएंगी, इनका लॉग टेबल से वैल्यू देख लेना है। उसके बाद बेटे आपने इधर लॉग टू द बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट इधर टेम्परेचर स्मॉल टी टाइम लेकर 5-5 मिनट का इंटरवल ले लेना है, ये वैल्यूज ऐसे आपको ग्राफ ऐसे ये लॉग का सेपरेट आएगा। सॉरी, अगर आप टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा नॉट सिंपली रखोगे फिर वो आपको कूलिंग कर्व जो है जैसे उन्होंने शो की है वैसे मिल जाएगी। सो डियर चिल्ड्रन, कोई भी आपको इसके बारे में डाउट है तो बताइएगा बेटे। एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटा? अंजलि, इश्नूर, जैकलीन, राघव, रमन, सहज, देवनूर, गुरसिमरन, हरमन, मिताली, प्रभदीप। ओके बेटा, वेरी राइट। सो इसकी बेटे मैं वो जो होती है एक्चुअल सेंस में जो रीडिंग्स अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो आई विल बी जस्ट मेकिंग वन पीडीएफ ऑफ दोज रीडिंग्स सो दैट यू कैन नोट द एक्सपेरिमेंट इन वेरी मच डिटेल इजीली। तो मैं कोशिश करता हूँ देखकर फिर आपको बेटे एक बार सेंड कर देता हूँ। सो डियर चिल्ड्रन, एक बार फिर से देख लीजिएगा हमारा इसमें। सर हमने टेबल लॉग वाला ही बनाना है ना बस? हाँ जी, लॉग ये आपका नेचुरल लॉग होगा, आप इसको लॉग 10 में 2.303 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक्सपोनेंशियल वाला ले लो चाहे 10 वाला ले लो, दैट विल हार्डली मैटर। राइट बेटे? ओके सर। और कोई खास बात हो तो बताइए। राइट, सो बेटे ये आपका एक्सपेरिमेंट था बच्चों। सो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपका जो है dQ/dT, ये बेसिकली आपके हॉट वाटर और सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने Q को MC थीटा लिखकर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, इससे आपका सारा ही सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। बाकी क्वेश्चन को जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये थ्योरी पार्ट है आपका, मैं करके और भी दिखाई देता हूँ आपको। dDT ऑफ MC थीटा दिस इज इक्वल टू K, इसको हटा के मैंने लिख दिया थीटा माइनस थीटा नॉट बेटा। M आपका मास कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। MC d थीटा / dT इज इक्वल टू K थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा जी। और जब आप इसको फिर फर्दर मोर कोशिश करोगे एडजस्टमेंट करने की, d थीटा / dT ये मैंने रख लिया, ये चीज मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इट विल बी -K/MC एंड दिस इज थीटा माइनस थीटा नॉट, ये सारा उत्तर कॉन्स्टेंट ही है आपका। d थीटा / dT विल बी इक्वल टू K थीटा माइनस थीटा नॉट, t माइनस t नॉट भी लिख सकते हो आप, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल।
डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज ए डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये देख लीजिए log थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसी इसी को आप स्ट्रेट डिपेंडेंस लेके जो है ये कह देते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, अगर सारे बच्चों को क्लियर है, मे आई एंड द मीटिंग ओवर हियर? अंजलि, इश्नु, जैकलीन, राघव, रमन, दीपनू, सहज, गुरसिमरन, हरमन, मिताली, प्रभदीप, ठीक है बेटे, गुड। तो आई विल फाइंड आउट कि मुझे अगर रीडिंग्स मिल जाती हैं तो मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकल का एक पीडीएफ बनाकर आपको आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू ऑल बेटा।